अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एसआर व्लॉग्स पे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज मैं एक बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पे बात करूंगा, और मेरे माइंड में खुद से ही आया। मैं मतलब सोच रहा था इस बारे में, क्योंकि जब मैं भी विजिट पे था तो मुझे भी कुछ इस तरह की सिचुएशंस का फेस करना पड़ा था। मीन्स के ऑफकोर्स मैं जब यहाँ पर जॉब लेने आया था तो विजिट पे आया था, जैसे कि सब लोग आते हैं। तो मैं अब उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि दुबई में जो है जॉब्स के, जहाँ पर लोग आते हैं, जब वो इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी हैं और एक्सपैट्स हैं, और बड़े अफसोस की बात है कि वो जो यहाँ विजिट पे लोग आते हैं उनसे धोखा करने की कोशिश करते हैं। मीन्स के जॉब्स के जॉब दिलाने के चक्कर में उनको धोखा इस तरह देते हैं कि उनसे पैसा बटोरने की कोशिश करते हैं। उनकी कोशिश होती है इन लोगों से, ये जाहिर बात है, एक नया बंदा जो विजिट पे आया हुआ वो जॉब ढूंढ रहा है, तो जब भी उसको कोई जॉब की लालच देगा कि मैं आपकी जॉब करवा दूंगा या फलां जगह पर आपकी जॉब हो जाएगी, तो वो बंदा जो है विजिट वाला इजीली कन्वेंस हो सकता है, विजिटर जो भी है। तो फिर वो उनके साथ करते क्या कि उनसे पैसा पैसा मारने की कोशिश करते हैं। मीन्स के जैसे मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करता हूँ। जो मैं यहाँ पर विजिट जॉब लेने के लिए आया हुआ था, तो एक इंटरव्यू था, मैं दुबई में था, तो अजमान एक वॉक इन इंटरव्यू आया था अजमान में एक कंपनी का, ठीक है, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूँगा। तो उन्होंने एडवर्टाइज़ किया हुआ था, बल्कि उन्होंने एडवर्टाइज़ किया, तो जब उस पर CV अप्लाई किया तो उन्होंने उन्होंने ईमेल किया कि आप अजमान आए, इतने बजे इंटरव्यू है आपका, और ये पैकेज है, और ये पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं। तो मैं जो हूँ, मैंने सुबह, क्योंकि मैं नया नया आया था उस वक्त, पता नहीं था, मैंने गूगल से लोकेट किया कि बस कौन से स्टेशन से जाएगी और वहाँ पर कहाँ पर उतरना है। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो इंटरव्यूज़ हो रहे थे, वहाँ पर वॉक इन इंटरव्यूज़ चल रहे थे। तो जब मेरे इंटरव्यू की बारी आई तो उन्होंने मेरे से इंटरव्यू शुरू किया, और उन्होंने कहा कि आप अपने बारे में बताएं। तो मैंने बताया मेरा पाकिस्तान का ये एक्सपीरियंस है, मेरा ये एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मेरा मैं इतना सा काम किया, मैं दुबई में विजिट पे आया हुआ हूँ। तो वो लेडी थी, तो उसने बोला कि आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। तो बेसिकली वो एक प्लॉट था, तो हम आपको जॉब पे रख लेंगे, हम आपको जॉब दे रहे हैं, तो उसके लिए बस ये है कि आपको ना 5,000 दिरहम जो है वो पे करने हैं। बट 5,000 दिरहम जो है आप एकदम मत पे करें, आप इस तरह करें 3,000 दिरहम जो है ना अभी पे कर दें, और ना जो 2,000 दिरहम है ना वो फिर आप बाद में पे कर दें। तो आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज शॉकिंगली सरप्राइज का सेट कि मैडम आई एम ऑन विजिट वीज़ा, और मैं यहाँ पर विजिट पे जॉब लेने आया हूँ, और हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी टू गिव यू 5,000 दिरहम्स? मीन्स कि चलो फाइव, आप कह रही हो 3,000 दिरहम अभी दे दो, तो मैं आपको 3,000 दिरहम कैसे दे दूँ आपको? और जॉब की श्योरिटी क्या है? मतलब और चले श्योरिटी को तो दूर रख देना, 3,000 दिरहम क्यों दूँ? मतलब एक विजिट पे बंदा आया, वो पैसे क्यों दे आपको? तो बेसिकली वो क्या है, वो पैसा लूटने के तरीके हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं, आई एम सॉरी, मैं तो ऐसा नहीं कर, लेकिन आप ने, लेकिन एक एक बड़ी अफसोसनाक चीज़ जो मैंने देखी वहाँ पर, बहुत सारे लोग आए हुए थे, पैसे, एक दो लड़कों से बात हुई, वो बोलते हैं जी हमने तो पैसे भी दिए हुए हैं। और एक लड़का, आप यकीन करें, वो ये कह रहा था कि भाई मैंने तो 3,000 दिरहम दे दिया, मुझे अभी तक ऑफर लेटर दे, कंपनी का ऑफर लेटर होता है ना, एक तो ऑफर लेटर होता है जब वीज़ा अप्लाई होता है ना इमिग्रेशन में, वो गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफर लेटर आता है जो उस कंपनी को, ये ऑफर लेटर है बंदे को दें, एक ऑफर लेटर होता है जो कंपनी ने खुद से बना के दिया होता है। तो उन्होंने, कंपनी ने खुद से एक बना के ऑफर लेटर उस भाई साहब को दिया हुआ था, और वो भाई साहब वहाँ पर फिर रहे थे कि जी मेरा वीज़ा कब लगना है, मेरे तो 5-6 दिन रह गए हैं, मैंने तो पैसे भी पूरे भर दिए हैं। तो मतलब इस लेवल के स्कैम होते हैं, धोखा होता है कि लोगों से पैसा लूट रहे हैं। तो इस चीज़, ये एक इंतहाई गलत चीज़ है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, जो भी न्यू विजिटर्स हैं, जो नए लोग यहाँ पर जॉब सर्च करने के लिए आते हैं, मतलब खुद से मर्जी है ना एक बंदे की, यार आप, मेरा मकसद वीडियोज़ बन, मैं ये कभी भी मैंने नहीं बोला कि नहीं जी आप आओ, मैंने कभी भी नहीं बोला, मैंने ये कि जो खुद से डिसीजन लेता है, जो सोचता है, जो ठीक है मैं रिस्क ले सकता हूँ, मैं ट्राई कर सकता हूँ, दो चीज़ें, आपकी जॉब हो जाएगी, नहीं होगी तो वापस आप ऑफकोर्स अपने मुल्क में चले जाओगे, नहीं होती तो आप कुछ चीज़ें सीख के ही जा रहे हो ना, अगर हो जाती है तो वेल एंड गुड। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जब आप लोग यहाँ पर आते हैं तो इन चीज़ों से आप होशियार रहें। जो भी बंदा, जो भी कंपनी, जो भी आपको मिलता है रास्ते में, मेट्रो में, बस में, आपको कहीं इंटरव्यूज में मिलता है, तो अगर वो आपसे ये कहता है कि यार आपकी जॉब करवा लूंगा लेकिन आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को एक्सेप्ट मत करें, क्योंकि वीज़े के चार्जेस जो हैं वो कंपनीज जो हैं खुद बियर करती हैं। अगर आप कोई कंपनी जॉब दे रही है तो आपसे वीज़े के पैसे नहीं लेगी, आपसे वीज़े के पैसे नहीं लेगी। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि किसी बंदे को पैसा मत पकड़ाएं। आप विजिट पे आए हुए हैं, अगर सपोज आपको कोई बंदा मिल गया बोल रहा है 500 दिरहम दे दो तो मैं आपकी जॉब करवा दूंगा, यार जॉब हो जाएगी पर पैसे, वो ये कुछ हैं जो एक्सपर्ट्स हैं इस तरह की गलत हरकतें कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी गलत चीज़ है, मतलब एक विजिटर्स को जो आए हुए हैं उनको लूटना, मतलब वो एक एक बंदा बेचारा आया हुआ है,
इतने पैसे इकट्ठे किए, उसने विजिट पे जॉब, ठीक है जॉब होना ना होना दैट इज अनदर थिंग, वो एक अलग चीज है। मतलब यार उसे लूटो तो मत ना तुम यार, वो तुम्हारे अपने मुल्क का बंदा है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल श्रीलंका कुछ भी कह लो यार, तो अब वो आपके एक कंट्री का बंदा आया हुआ बेचारा जॉब ढूंढ रहा है, ठीक है उसको आप चलो जॉब आप रेफर कर दो, बताओगे फलान जगह इंटरव्यूज हो रहे हैं जाओ लक ट्राई करो, आप अपनी कैपेबिलिटीज होंगी क्वालिफिकेशन होगी तो आपका हो जाएगा। यार उसको ये तो ना करो कि यार 500 दे दो भाई, 1000 दे दो, 1500 दे दो तुम्हारा जॉब लग जाएगा, 3000 दे दो, ऐसा मत करो यार। क्यों बेचारे सब लोग इतने मुश्किलों से आते हैं, तुम लोग उनसे पैसा लूटते हो, अपने मुल्क का नाम खराब करते हो ना यार, ये गलत चीज़ है ये। तो मैं उसी चीज़ के ऊपर बात कर रहा था, और आपको इस तरह भी होगा यहाँ पर कि मोस्टली जब आप यहाँ पर आते हैं आप जॉब एड वगैरह देखते हैं तो वो आपको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, आ जाए वॉक इन इंटरव्यू, आप बड़ा कॉन्फिडेंट होंगे, आपको बड़ा अच्छा लग रहा हो, लेकिन एंड में बात भी है जी आप पैसे जमा करा दें, आप ठीक है आप 300-300 400 जमा करा दें हमारी एंट्री फीस है, गलत चीज़ है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखो कि आप पैसे मत दो किसी को यार। हाँ ठीक है समझ आता है, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि यार टाइम गुजरा जॉब नहीं, चलो दे दें, पैसे मत दें प्लीज़, किसी को पैसा मत दो यहाँ, अगर किसी ने जॉब देनी है आपको बगैर पैसों के दे देनी है आपको, कंपनीज ने आपसे पैसे नहीं लेने, जिन्होंने आपको आपको जॉब देनी है, जिन्होंने आपसे पैसे लेने हैं वो आपको सिर्फ आपको आपको वो धोखा दे रहे हैं आपसे पैसा लूटने के चक्कर में, उनको पता है नया बंदा है उसको कुछ पता तो है नहीं, वो पैसे जब उसने ले लिए तो फिर आप उसको कहाँ ढूंढते फिरोगे, वो बेशक वो बंदा कौन हो, कहाँ से आया, विजिट पे आया हुआ, किस मुल्क से आया हुआ, आपसे इसी तरह उसने 10-15 लोगों से फ्रॉड कर लिया, पैसे इकट्ठे किए, फ्लाइट पकड़ी निकल गया, आपके पास पैसे तो चले गए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर इस तरह के बहुत फ्रॉड्स होते हैं जो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो ये लोग अपने डिफरेंट मुल्कों के लोग ये कर रहे होते हैं, और अपने ही मुल्क के लोगों को ज़्यादातर लोग लूटते हैं, दुख की बात ही है, मतलब अपने मुल्क का नाम खराब करते हैं। आप एक दूसरे मुल्क में आए हुए हो, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हो यार, कुछ अच्छा इंप्रेशन तो डालो ना यार, अपने मुल्क के नाम को तो खराब मत करो, अपने ही मुल्क के लोगों को तो मत लूटो, बेचारे वो परदेश में अपना कैरियर अपनी जॉब ढूंढने आए हुए हैं, तुम उनसे पैसा लूट रहे हो यार, कितना गलत काम कर रहे हो तुम लोग। तो दोस्तों मेरी आप लोगों से गुजारिश है, वो लोग जो यहाँ पर जॉब्स करने के लिए आना चाहते हैं या विजिट पे आए हुए हैं या आ रहे हैं, कुछ भी कभी भी आपको इस तरह की सिचुएशन का सामना पड़ा करना पड़े जिसमें आपसे पैसा मांगा जा रहा हो, तो आप उनको हरगिज पैसा मत दो, उनको कोई भी एक दिरहम भी नहीं देना उनको आपने, जहाँ आपकी जॉब होनी है उन्होंने आपसे पैसे नहीं लेने, आपसे पैसे नहीं लेने। तो आप लोग बराए मेहरबानी इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि इनके धोखे में इनके फ्रॉड में ना आए, ये लुटेरे हैं, लूट रहे हैं, अपने मुल्क का नाम खराब कर रहे हैं, अपने मुल्क का नाम खराब कर रहे हैं, और ये मासूम जो लोग बेचारे विजिट पे आए होते हैं उनको लूटते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि कहीं पर भी जॉब के लिए कोई भी आपसे पैसे मांगता है उसको पैसे मत दो, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, जहाँ आपकी जॉब होनी है वो बगैर पैसों की होनी है, जो वीज़ा आप कंपनी ने आपको देना है, तो आप लोग अपना पैसा ज़ाया मत करो इस चीज़ में, किसी को दे के अपने आप को ना मत लुटवाओ। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि ये इस चीज़ को मैं स्प्रेड करूँ, एजुकेट करूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो पैसा लूटने का धंधा बनाया हुआ है, चक्कर ही बनाया हुआ है, जो विजिट पे लोग आते हैं बेचारे उनसे पैसा लूट लूट के खाई जा रहे हैं, फिर बाद में गायब हो जाते हैं, फ्लाइट पकड़ी निकल गई, इतना ही यहाँ पर वाकयात हो रहे हैं। तो ये अपने मुल्क का नाम खराब कर रहे हैं ये लोग अपने मुल्क का नाम खराब कर रहे हैं। तो मैं लोगों से कहूँगा भाई अपने मुल्क का नाम खराब मत करो यार, मासूम लोगों को बेचारों को मत लूटो, जो आया उनको जॉब जो ढूंढ लेंगे उनको कंपनी देंगे उनको वीज़ा फ्री मिलेगा कंपनी, तो तुम लोग उनको मत लूटो, अपने मुल्क का नाम खराब मत करो। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और ये अपने दोस्तों सबको बताइएगा, वीडियो दिखाइएगा, ताकि सबको पता लगे कि यहाँ पर जॉब जॉब के नाम पर किस तरह मासूम विजिटर्स बेचारे जो आते हैं लड़के लड़के उनको लूटते हैं, उनसे पैसा 500-500 1000 दिरहम 1500 2000 दिरहम ईंट लेते हैं उनसे और फिर गायब हो जाते हैं, मिलते भी नहीं है। तो दोस्तों किसी और वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हूँगा, ठीक है, तो तब तक के लिए SR व्लॉग से खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात होगी, थैंक यू वेरी मच।